हेलो एवरीवन, देखिए जामिया हमदर्द में बी फार्म की सेकेंड लिस्ट आउट हो चुकी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर बी फार्म की सेकेंड लिस्ट आप लोग कैसे चेक कर पाओगे, साथ ही साथ आपको पेमेंट कैसे करना है और पेमेंट करने के बाद कितने दिनों तक रुकना है। ठीक है, दोनों लिस्ट शो करूँगा मैं, एक SFS की और एक जो है आपकी जनरल की। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो लिस्ट देखने के लिए आपको सबसे पहले आना है वेबसाइट पर। जैसे आप इनकी वेबसाइट पर आओगे, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो यहाँ पर देखो बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फॉर्म जनरल सेकंड लिस्ट एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फॉर्म SFS सेकंड लिस्ट, यहाँ पे दोनों जो है लिस्ट आ चुकी है। इसके पहले भी बहुत सारे जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी की सेकंड लिस्ट आ चुकी थी, कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया था। डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की आ चुकी थी, साथ ही साथ डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री की आ चुकी थी और DGNM की आ चुकी थी। उस टाइम मैं जो वीडियो नहीं बना पाया था। तो अभी देखो सबसे पहले हम इसकी जनरल लिस्ट जो है डाउनलोड करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कितने सारे स्टूडेंट का नाम आया हुआ है। देखिए सेकेंड लिस्ट में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट का नाम आया हुआ है और काफ़ी, मैं आपसे बात करूँ कट ऑफ की, तो कट ऑफ भी बहुत अभी हाई ही रही है। यहाँ पर देखो इन्होंने ये लिखा है कि जितने भी स्टूडेंट का इस लिस्ट में नाम है, ठीक है, उनको एक ईमेल गया होगा और उस ईमेल में आपको लास्ट डेट लिखा होगा कि आपको कब तक जो है पेमेंट कर देना है। सपोज दैट अगर आपके ईमेल में जो है लास्ट डेट नहीं लिखा हो, तो आप लोग ये मान के चलना जिस दिन आपके पास ईमेल आया हुआ है, ठीक है, उससे 5 दिन तक आप लोग अपना पेमेंट कर लेना। मतलब सपोज़ दैट अगर आज जो है मेल आया हुआ है 15 तारीख को, ठीक है, तो आप लोग 19 तक एंश्योर करना कि आप लोग अपने पेमेंट जो है कर लेना 19 तारीख तक। ठीक है स्टूडेंट, कितने पेमेंट करने हैं जनरल स्टूडेंट को, तो देखो यहाँ पर 96,000 उनको पे करने हैं जनरल स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर इंक्लूडिंग ऑल योर एडमिशन फीस एंड इनरोलमेंट फीस। यहाँ पर देखो नेम मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर देख पा रहे होगे काफ़ी सारे स्टूडेंट का नेम आया हुआ है सिलेक्शन लिस्ट में, तो आप लोग अपने नेम को चेकआउट यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया सिलेक्शन लिस्ट जनरल के लिए। SFS की बात करूँ अगर, तो SFS में देखो जो आपको फ़ीस पेमेंट करना है वो पेमेंट करना है 1,35,500 रुपये, यानी कि 1,33,500 रुपये आपको फ़ीस पेमेंट करना है। और ये देखो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो है नेम आ चुका है, तो आप लोग इसमें से जो भी इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोग जो है एडमिशन ले सकते हो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अगर इंटरेस्टेड नहीं होगे तो आप लोग इसको छोड़ सकते हो। देखो अब बात आती है, अगर आप कोई डाउट रहते हैं ना, जैसे कि SFS लिस्ट जनरल लिस्ट को लेकर, तो आप लोग जो है मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो कोई भी डाउट के लिए। बात यह आती है कि अब फ़ीस आपको पेमेंट कैसे करनी है। देखिए आपको क्या करना है, जब आपका इस लिस्ट में नाम आ गया है और जब आपको ईमेल आ जाएगा, ध्यान रखना जब ईमेल आएगा तभी आप लोग अपना पेमेंट कर पाओगे। ईमेल जब आएगा उसके बाद क्या करना, अपना जो है जो आपकी आईडी होगी जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की, ठीक है, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की जो आईडी होगी उसको आप लोग और पासवर्ड डैशबोर्ड पर जा करके ओपन करना। और डैशबोर्ड पर जैसे आप लोग ओपन करोगे, अच्छा कई लोग डैशबोर्ड का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे, देखो जो आपने एडमिशन के लिए फॉर्म भरा था ना वहाँ पर लॉगिन करने का एक ऑप्शन आता है, जैसे आप लोग अपने आईडी और पासवर्ड डाल के और लॉगिन करते हो तो उसको डैशबोर्ड हम बोलते हैं। ठीक है, तो उस डैशबोर्ड पर जब आप लोग जा करके और रजिस्ट्रेशन अपना करोगे, जब उसको ओपन करोगे, तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा कोर्स फी पेमेंट का, इस जगह एक ऑप्शन आएगा कोर्स फी पेमेंट का। जैसे आप लोग कोर्स फी पेमेंट पर क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने जो है फ़ी पेमेंट करने का जो है एक ऑप्शन आ जाएगा और वहाँ पर आप लोग अपने फीस जो है पेमेंट कर सकते हो थ्रू योर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड UPI। UPI देखो SFS के जो भी स्टूडेंट होंगे तो आपको पता है कि UPI की जो लिमिट होती है वो 1,00,000 तक ही होती है। ठीक है, 1,00,000 तक ही होती है। अब आपको क्या करना है कि आप लोग डेबिट कार्ड से कर लेना, जो जनरल के होंगे वो तो हो जाएगा, तो आप लोग इस तरीके से अपना पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ध्यान रखना और UPI का भी ध्यान रखना। जितने भी जनरल स्टूडेंट होंगे जिनकी की फ़ीस जो है 1,00,000 से कम है, तो आप लोग जो अपना जो पेमेंट कर सकते हैं वो UPI से कर सकते हो, और जो SFS के हैं जिनका पेमेंट 1,35,000 है वो जो अपना डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब पेमेंट करने के बाद कितने दिनों तक आपको रुकना होता है ये भी ध्यान समझ लो। सपोज दैट आपने जो है पेमेंट कर लिया, ठीक है, आपने पेमेंट कर लिया, तो आप लोग ना कम से कम जो है 10 दिन तक वेट करना, 10 दिन तक आपको जो है कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जैसे बहुत बार क्या होता है आप लोग फीस पेमेंट कर देते हो और परेशान होने लगते हो कि आखिर क्या करना है कैसे करना है, तो आप लोग 10 दिन वेट करना, वहाँ पर देखना फीस आपका सक्सेस हो जाएगा तो आप लोग 10 दिन वेट कर लेना, फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, क्लासेज वगैरह का
चलो यही इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।